नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो भिखारी शब्दों का टॉपिक था, हमने वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सभी जो टॉपिक थे हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, जो कि शब्द विचार के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अविकारी शब्दों का है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक है। क्रिया विशेषण आ जाता है जिसमें, ठीक है, इसमें समुच्चय बोधक शब्द आ जाते हैं, जिसे योजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा स्वन बोध कहा जाता है इसमें, ठीक है, विषम अधिबोधक शब्द जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें किसी वचन, लिंग या ऐसे शब्दों के कारण जो है परिवर्तन आ जाता है, जैसे लड़के का लड़की बन गया, बच्चा बच्चे, ऐसे शब्द जो है चेंज हो जाते हैं। लेकिन अविकारी शब्दों में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। जैसे धीरे धीरे है या फिर कम है ज्यादा है, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे जैसे के वैसे लिखे होते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जो दूसरी बात है कि जो अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है, अविकारी शब्द हमने पढ़ा है, आज पढ़ेंगे भी, और सुना आपको मैंने बता भी दिया है कि जिसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। जिसे क्या कह देते हैं, अव्यय शब्द भी कह देते हैं, ठीक है। दो शब्दों के मेल से बना है, एक तो अव, दूसरा है व्यय, ठीक है। व्यय शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यय शब्द का मतलब होता है वैसे को खर्च होता है, ठीक है। किसी चीज का जब हम खर्च करते हैं किसी चीज को, उसे व्यय कह देते हैं। हमारी जो आमदनी होती है, ठीक है, उसका खर्च कर देते व्यय होता है, ठीक है। लेकिन इसके आगे लगा दिया है जिसका मतलब कि खर्च ना हो, वो वैसे की वैसी ही रहे, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं, अव्यय शब्द, ठीक है। आगे हम इसके आगे जो इसका पहला हमारा जो है अविकारी शब्दों के टॉपिक में कौन सा है हमारा दोस्तों, पहला हमारा क्रिया विशेषण का, ठीक है। इसे शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, हमने क्या हमने जितना भी पढ़ा है टॉपिक, उसे प्लीज ध्यान से जो है कर लेना, क्योंकि जो होता है हमारे छोटे छोटे जो हमारे प्रश्न होते हैं, ठीक है, एग्जामिनर ने क्या करना है, चाहे वो बेसिक प्रश्न भी डाल सकता है, चाहे उसको डीपली भी डाल सकता है, आपने इसलिए हर चीज को ध्यान से समझकर पढ़ना है, ठीक है। जब मैंने मतलब फर्स्ट टाइम जब सीटेट किया था, तो मैंने भी हर चीज को ध्यान से पढ़ा था, तो इसलिए मैंने जितने भी चार बार सीटेट क्वालिफाई किया है, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले ही उसे ध्यान से डीपली पढ़ा था, ठीक है। बाद में जब भी एग्जाम होता, मैं बिना डर के आराम से पेपर में बैठता था, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि जो भी चीज है आराम से वो कर लूंगा, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है दोस्तों, हर चीज को ध्यान से पढ़ना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि ये नहीं है वो नहीं है, और किसी भी सब्जेक्ट्स को, चाहे मैंने कुछ बच्चे देखा है कि वो मैथ, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि पंजाबी और हिंदी सब्जेक्ट्स है, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन दोस्तों आपने सभी सब्जेक्ट्स को जो है टाइम देना है, चाहे वो हिंदी का है या फिर पंजाबी है, पंजाबी का है, क्योंकि दोस्तों हर एक मार्क्स जो है हमारा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि कट ऑफ जाएगी, आपकी मेरिट बनेगी, हर एक नंबर उसमें जुड़ेगा, ठीक है, पॉइंट्स का भी फर्क पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान से हर चीज को समझकर पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमने पहला है क्रिया विशेषण का टॉपिक शुरू करना है आज, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है, आपको पहले हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है, विशेषण के बारे में पढ़ा है। क्रिया क्या होती है, किसी काम को करना, ठीक है, किसी काम का होना, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वर्क कहा जाता है, ठीक है, कोई एक्टिविटी होती है जिसमें। विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज की क्या बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है, कि ये चीज ऐसे मतलब कि सुंदर है या फिर कोई मतलब उसमें कोई दोष है, ठीक है, चाहे वो काला है, गोरा है, जो भी है, जिस उसकी दोष या फिर गुण के बारे में जो शब्द बताता है वो विशेषण होता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, साथ में आ गए हैं, तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता होता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है, कछुआ शब्द है, चलता तो यहाँ पर क्या आ गया, क्रिया आ गया, ठीक है, यहाँ धीरे धीरे क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है उसका, ठीक है। तो क्या कछुआ कैसी चाल चल रहा है, धीरे धीरे, तो ये यहाँ पर क्या होगी, इसका क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, कि वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा शब्द है, क्या ले लीजिए टॉपिक, सेकंड में हमारी सेकंड एग्जांपल है, हम प्रतिदिन
घूमने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर घूमने जाते हैं तो यहाँ पर यौगिक की क्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन प्रतिदिन जाते हैं यौगिक क्रिया की विशेषता हो गई, ठीक है। तो ये शब्द क्या हो गया, प्रतिदिन यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। और कुछ शब्द हैं जो जो क्रिया विशेषण में ऐड हो जाते हैं, जैसे तेज, जल्दी, यहाँ, वहां, अब, कब, बहुत से शब्द हैं जो क्रिया विशेषण में आते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हम यही करेंगे, इससे पहले हम इसके भेद जान लेते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार होते हैं भेद, ठीक है। पहले भी हमने जितने चाहे संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर क्रिया है, विशेषण है, ये सभी जो पढ़े हैं उनके भेद भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, उनकी जो डीपली है उसको अच्छी तरह से समझना कि उसके भेद के अंदर लिखा क्या गया है, वो अच्छी तरह से आपने पढ़कर उसे जो है माइंड में रखना है, ठीक है। इसमें जिस तरह से पहला इसका विशेषण का जो पहली जो इसका भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल दोस्तों, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, काल का मतलब होता है समय, ठीक है। जो हमें किसी समय के बारे में जो है, जिस चीज में हमें समय के बारे में पता चले कि जैसे ये घटना अब हुई है, ठीक है, अब कब, ठीक है, जहां हमें समय का ज्ञान, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा इसके भेद में आपको पहले बता दूं। नेक्स्ट है इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें किसके बारे में कहा जाए, स्थान के बारे में, कि घटना कहाँ हुई, यहाँ हुई है, वहां हुई है, इधर हुई है या उधर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जिसमें दोस्तों परिमाण, जिसमें हमें कोई परिमाण मिलता है, ठीक है, कि नाप तोल की बात हो जाती है, ठीक है, कि जैसे कि इधर थोड़ी सी हुआ है, बहुत हुआ है, ज्यादा हुआ है काम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। रीतिवाचक क्या होता है, कि जो क्रिया हुई है वो किस रीति से हुई है, ठीक है, मतलब कि किस विधि से हुई है क्रिया, ठीक है, उसको क्या कह देते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट इसके कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद भी हैं, जैसे कि समयवाचक आ गया, हमें कौन सा भेद है, समयवाचक, ठीक है। समयवाचक क्या होता है, समयवाचक, ठीक है, समयवाचक दोस्तों जिसमें हमें पता चले समय के बारे में जो है हमें ज्ञान हो, ठीक है, जैसे इसके बारे में समय है, जैसे कि घटना कब हुई, ठीक है, कब, अब, तब, ऐसे शब्द किसमें आ जाएंगे, जो हमने पढ़ा था समयवाचक, ठीक है, जिसमें हमें समय का ज्ञान हो, ठीक है। पहले तो दोस्तों क्रिया विशेषण के हमें चार भेद पढ़े हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम कालवाचक क्रिया विशेषण के तीन भेद जो होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला होता है समयवाचक, ठीक है, जिसमें हमें समय का ज्ञान हो कि घटना कब हुई है, अब हुई है, तब हुई है, ठीक है। इसमें जो कालवाचक में सबसे मेन जो प्रश्न पूछा था कि घटना कब हुई है, ठीक है, समय के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें जो है इसका नेक्स्ट जो है अवधि, ठीक है, ये तो समयवाचक हो गया, कब, अब और तब, इस चीज को आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवधिवाचक, इसी का ये सेकंड जो है इसका अवधि। अवधि क्या होता है, हम कह देते हैं इसकी तो इतनी अवधि है, इसका एक्सपायरी कह देते हैं ना, कि एक्सपायरी डेट है इतनी, जो मेडिसिन पर लिखा है, इसका एक्सपायरी होता है कि अवधि क्या है, कितने समय तक चलेगी, इसमें आ जाएगा जैसे प्रतिदिन चलेगी, ठीक है, हर रोज, जिसमें हमें अवधि का पता चले कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन चलेगी, हर रोज चलेगी, लगातार चलेगी, ऐसे शब्द जो हैं इस चीज में आ जाएंगे अवधिवाचक में। पहले हमने पढ़ा था समयवाचक, जिसमें हमें कब, ताव, ऐसे शब्द आ जाते हैं, अवधिवाचक जब हमें अवधि का पता चले कि जो है कब तक चलेगी, प्रतिदिन चलेगी, हर रोज चलेगी, लगातार चलेगी, ऐसे शब्द जो हैं किस चीज में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं अवधिवाचक, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने इसकी तीसरा भेद जो पढ़ना है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो है हमारा बारंबारता, इसका भेद बारंबारता। इसके दो भेद हो गए, एक समयवाचक
जिसमें हमें समय का पता चले, आग ताप कल परसों ऐसे भी हो सकता है। दूसरा हमने इसका जो पढ़ा है वो कौन था, आपदिवाचक, जिसमें हमें अवधि का पता चले कि हर रोज चलेगी, लगातार चलेगी, प्रतिदिन चलेगी, ऐसे शब्द जो होते हैं। तीसरा इसका बारंबार था, बारंबार था, ठीक है। बारंबारता क्या होती है, जो बार बार चल रही होती है, ठीक है, उसको कहते हैं बारंबारता। जैसे कि हर बार, ठीक है, कई बार, ठीक है, ऐसे शब्द, हर बार, कई बार, ऐसे शब्द जो है किस चीज में आ जाएगी, बारंबारता, ठीक है, मतलब की चीज बार बार हो रही है। जैसे कि हमने अवधिवाचक में क्या पढ़ा था, हमारा जो हमने पढ़ा था प्रतिदिन, उसमें प्रतिदिन भी आ जाएगा, ठीक है, प्रतिदिन के बार बार हो रही है ना चीज, प्रतिदिन हो रही है, वो भी बारंबारता में ही ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये तो इसके तीन उपभेद। आगे हम जो है हमारा स्थानवाचक विशेषण, इसके भी दो भेद हैं, कौन कौन से हैं। पहला है हमारा दिशावाचक, सॉरी हमारा पहला है स्थितिवाचक और दूसरा इसका भेद है दिशावाचक। पहले हम जो है स्थितिवाचक के बारे में पढ़ेंगे कि स्थिति कैसी थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थितिवाचक जो है जिसमें क्या होता है कि स्थिति कैसी थी, कि मतलब स्थिति जो है, मान लीजिए कि राम यहां बैठा है, ठीक है, इस शब्द में स्थिति बताई जा रही है कि राम बैठा कहां है, यहां, कहां बैठा है, यहां, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इसका उपभेद कौन सा है, इसका है नेक्स्ट भी है दिशावाचक, ठीक है, कि किस दिशा में मोहन उधर गया है, ठीक है। पहले में क्या था कि स्थिति के बारे में बताया जाता है कि स्थिति के राम बैठा कहां है, यहां बैठा है। आगे है दिशा, मोहन उधर गया है, दिशा बताई जा रही है कि वो किधर गया है, उधर की तरफ गया है, या फिर हम कह देते हैं कि आम नीचे गिर गया, ठीक है, आम की दिशा क्या बता रही है कि नीचे गिरा है, ऐसे शब्द जो है वो किसमें है, दिशावाचक में। आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूं कि जो है स्थानवाचक, जिसमें हमें किसी स्थान का ज्ञात होता है, उसके बारे में स्थानवाचक के विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके दो भेद हैं। स्थितिवाचक के विशेषण जिसमें किसी स्थिति का ज्ञात होता है, जैसे कि यहाँ शब्द आ गया। नेक्स्ट है हमारा दिशावाचक, जिसमें किसी दिशा का ज्ञान होता है, जैसे कि इधर उधर नीचे ऊपर, ऐसे शब्द जो है किस चीज में है, दिशावाचक में। वैसे तो इसके मेन जो है हमने भेद ही है, लेकिन इसके उपभेद इसलिए करवा रहा हूँ कि एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, तो इसीलिए आपने इसको भी करना है साथ में, और साथ में इसके उपभेद तो करने ही है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है हमारा कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में पहला कौन कौन से इसके भेद है, पांच भेद है, अधिकता बोधक, अधिकतर बोधक, न्यूनतम बोधक, पर्याप्त बोधक, और चौथा हमारा तुलना बोधक, और चौथा है श्रेणी बोधक। पहले में हम पढ़ेंगे इसका जो अधिकतर बोधक। अधिकतर का मतलब आप सभी को पता है कि ज्यादा, ठीक है, जिस चीज में पहले हम परिमाण में पढ़ा है, परिमाण का मतलब क्या है, जिसमें नाप तोड़ होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका पहला जो भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का, अधिकतर बोधक, जिसमें अधिक चीज की बात हो रही है, वह ज्यादा तेज दौड़, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि दौड़ा है, तेज दौड़ा है, ज्यादा दौड़ा है, ठीक है, अधिक की बात हो रही है कि वो ज्यादा दौड़ा है, ज्यादा, अधिक, अधिकतर, ठीक है, ऐसे जो शब्द आ जाएंगे वो अधिकतर में ही आ जाएंगे, अधिकतर बोधक में आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है आगे लिख भी सकते हैं हम, जैसे कि और इसमें जो लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसे शब्द भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम बोधक, कौन सा है हमारा न्यूनतम बोधक, न्यूनतम बोधक, न्यूनतम बोधक, ठीक है। अधिकता बोधक में हमने पढ़ा कि जिसमें ज्यादा चीज का ज्ञान हो, न्यूनतम बोधक क्या होगा, जिसमें कम चीज का ज्ञान हो, जैसे कि कम, थोड़ा,
ठीक है, ऐसे शब्द आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि और है कम, कम भी हो गया, थोड़ा भी हो गया, और काफी, केवल, ऐसे। वैसे मेन इसमें यही है कि कम और ज्यादा ही आप मान लीजिए कि जिसमें भाषा में सिर्फ न्यूनतम बात की, थोड़ी चीज की बात हो रही है तो वो न्यूनतम बोधक में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रीति, सॉरी इसका पहला वेद होने के, पहला वेद जो है अधिकता बोधक, सेकंड है न्यूनतम बोधक, और थर्ड है हमारा पर्याप्त बोधक, पर्याप्त बोधक, जिसमें हमें कह देते हैं कि इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, पर्याप्त क्या होता है कि हमें संतुष्टि है कि इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस, इसमें बस, काफी, ऐसे शब्द आ जाएंगे कि बस मुझे इतनी चीजें ये पर्याप्त है, ये काफी है मेरे लिए। ठीक है, ऐसे शब्द जो है इसमें आ जाएंगे, या फिर केवल शब्द लगा लीजिए, केवल इतने काफी है। ठीक है, ऐसे शब्द जो है वो पर्याप्त बोधक में आ जाए। पहला हमने अधिकतर अधिकता बोधक, न्यूनतम बोधक, पर्याप्त बोधक, जो चौथा है हमारा इसका तुलना बोधक, तुलना बोधक। ठीक है, तुलना बोधक क्या होता है, जिसकी किसी से मतलब तुलना की जाए, जिस चीज में मैं उससे ज्यादा काम कर सकता हूँ, ठीक है, वो उससे कम काम करता है, ऐसे बहुत कम काम करता है, वह उससे ज्यादा काम करता है, ऐसे शब्द जो है तुलना बोधक में, जिसमें इस चीज की तुलना की, बहुत है, ज्यादा है, ऐसे जो शब्द हैं किसमें आ जाएंगे, तुलना बोधक में आ जाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है इसका श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक क्या होता है, जिसमें श्रेणी बारी है कि बार बार श्रेणी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, तिल तिल हो रही है, ऐसे शब्द। तुलना बोधक तो हमारा हो गया, नेक्स्ट है इसका श्रेणी बोधक। ठीक है, श्रेणी बोधक क्या होता है, जिसमें कोई श्रेणी चल रही है कि ये बार बार बार, ठीक है, बार बार ये काम हो रहा है, ठीक है, और तिल तिल हो रहा है, ऐसे कि श्रेणी बार रही है कि बार बार काम हो रहा है, तिल तिल काम हो रहा है, ऐसे जो शब्द हैं वो किसमें आ जाएंगे, श्रेणी बोधक में। ठीक है, ये तुलना बोधक भी हमारा हो गया, इसका पांचवा था ये। ठीक है, हमारा द्वारा दोस्तों को रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो था उसमें उसके पांच वेद होते हैं, कौन कौन से, पहला हमने अधिकता बोधक, जिसमें अधिक चीज की बात हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है, जिसमें ज्यादा होता है, ठीक है, अधिक होता है, ऐसे शब्द जो आ जाते हैं। ठीक है, आगे था हमारा न्यूनतम बोधक, जिसमें थोड़ी चीज का भी हमें ज्ञान, जैसे कम है, थोड़ा है, शब्द। पर्याप्त बोधक, जिसमें हमें कोई चीज का पर्याप्त हो, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, बस इतनी ही चीज चाहिए, ये चीज काफी है, बस केवल यही चाहिए हमें, बस ऐसे जो शब्द है और पर्याप्त बोधक में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक पहले हमने पढ़ा था, श्रेणी बोधक भी पढ़ लिया, तुलना बोधक भी पढ़ा था, सॉरी तुलना बोधक मान यहाँ पर रेस कर दिया। तुलना बोधक जो क्या होता है, शिक्षित तुलना है, ये उससे ज्यादा ताकतवर है, वह उससे कम ताकतवर है, ऐसे शब्द जो आ जाते हैं श्रेणी बोधक में, जो कि एक श्रेणी बनकर काम चल रहा है, जैसे कि बार बार चल रहा है, तिर तिर चल रहा है, ऐसे शब्द जो है किस चीज में आ जाएंगे, श्रेणी बोधक में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है इसका नेक्स्ट भी जो है हमारा वो है हमारा रीतिवाचक। जैसे रीतिवाचक के वैसे भेद नहीं है, वैसे करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसका जो बता देते हैं कि ये करना कैसे होता है। ठीक है, किसकी कैसे इसकी पहचान होती है, कि जो क्रिया है वो किस प्रकार से हुई है, किस रीति से हुई है, किस विधि से हुई है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रकार जाना जाता है, जैसे इसका कि किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से हुई है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं तेज दौड़, ठीक है, किस प्रकार दौड़ रहा है, तेज, ठीक है, जिसमें प्रकार का पता, वे दौड़ रहा है कैसे, तेज दौड़ रहा है। सेकंड है इसका वे धीरे कार चला रहा है, ठीक है,
इसमें जो व्यक्ति है वो कैसे किस प्रकार का अर्थ ला रहा है, धीरे, ठीक है, धीरे शब्द जो है इसमें क्या आ जाएगा, वो भी इतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। इसके बाद जो है किस चीज का निश्चित हो, एक आ जाता है इसका निश्चय, ठीक है, ये भी मतलब कि ये उपभेद नहीं है लेकिन इसे इसको पहचानने के कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है, जैसे कोई चीज निश्चय है कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ठीक है, ये काम कैसे करो सावधानी से, ठीक है, निश्चय है कि कैसे करना है सावधानी से करना है। उस निश्चय से इसका निश्चय भी होता है और अनिश्चय शब्द भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि शायद, शायद शब्द आ गया, ठीक है, जिसमें हमें ज्ञात नहीं कि कैसे होना है, कैसे होना है, शायद होना है, ठीक है, ऐसे जो शब्द आ जाएंगे वो निश्चयवाचक में आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी इसका अनिश्चय जो है वो क्रिया विशेषण में आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों हमारा क्रिया विशेषण का जितना हमने टॉपिक हमने किया था वो आपको दोबारा मैं रिपीट करवा रहा हूँ। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, इसमें कछुआ की जो विशेषता देखिए वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम और एग्जाम्पल ली थी, हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं तो हम घूमने कैसे जाते हैं, प्रतिदिन, ठीक है। आगे है काल, इसके जो चार भेद है, सॉरी इसके जो हमने कुछ शब्द है जैसे तेज, जल्दी, यहाँ, वहां, अब, कल, कल, कब, कल, परसों, ऐसे शब्द जो है किसमें आ जाएंगे, क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद है, चार भेद है, कौन कौन से हैं, एक तो है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा सॉरी चौथा है हमारा द्वितीयवाचक क्रिया विशेषण, पहला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक जैसे मैंने आपको बताया था कि काल का मतलब क्या होता है, समय, जो हमें किसी समय के बारे में बताता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जो आगे था हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें किसी स्थान का ज्ञात हो, ठीक है, जैसे कि घटना कहाँ हुई है, ठीक है, रवि ऊपर बैठा, ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि स्थान क्या है, ऊपर है, ठीक है, तो वो ऊपर बैठा है, ऐसे शब्द जो है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जिसमें कोई क्या होता है नापतोल की बात हो, जैसे थोड़ा, बहुत, ज्यादा, अधिक, ऐसे शब्द, ठीक है। आगे है हमारा रीतिवाचक, रीतिवाचक क्या होता है, किसी चीज की विधि कि किस तरह से घटना घटी है, ठीक है, घटना कैसे घटी है कि किस प्रकार से घटी है, कोई जैसे मान लीजिए कि तेज गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी कैसे जा रही है, तेज स्पीड से जा रही है, ये उसकी रीति है, ठीक है, ऐसे जो शब्द हो जाते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे है दोस्तों। आगे जो हमने इसके उपभेद भी पढ़े थे, कालवाचक क्रिया विशेषण के हमने कितने भेद पढ़े थे, तीन उपभेद पढ़े थे, और जो स्थानवाचक के थे वो कितने पढ़े थे हमने, दो भेद पढ़े थे, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कितने पढ़े थे, पांच, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद नहीं है लेकिन इसको कुछ पहचान के मैंने चिन्ह बताया कि किस प्रकार से घटना हुई है, इसमें निश्चय होती है, जिसके चीज निश्चय है या नहीं, और निश्चय निश्चय है या नहीं, ऐसे शब्द जो है शायद ये घटना घटी होगी, ऐसे जो शब्द आ जाएंगे वो किसमें आ जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है। दोस्तों हमारा जो क्रिया विशेषण का जो टॉपिक था आज ये यहाँ कम्प्लीट होता है। दोस्तों आपने जितना भी करवाया जाए उसे प्लीज ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी इसी तरह की जो डाउट लगता है प्लीज हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और हमारा जो कमेंट बॉक्स में उसमें अपने जो डाउट्स हैं जरूर लिखिए, जल्दी ही आपको इसके जो MCQ है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।